ना हम बाहुबली हैं और ना ही हम मेरे पास ऐसा कोई जानवर जैसा सिंह है, ना मेरे पास जानवर जैसा दांत है कि हम लोगों को डराएंगे धमकाएंगे। हम काहे ना करेंगे? यदि हम डराने धमकाने का काम करें, जनता मुझे वोट क्यों देती? गाँव में जब काउंटिंग चल रहा था तो उसमें BDO और कलेक्टर को खरीद लिया, ऐसा आपके विरोधियों प्रतिद्वंदियों का आरोप है, इस पर क्या कहिएगा? कि सबसे पहले मैं अपने पंचायत को झोपड़ी मुक्त देखना चाहता हूँ। इस बार का मेरा ये मुद्दा रहा है कि मैं झोपड़ी मुक्त इस पंचायत को देखना चाहता हूँ, कि हर गरीब परिवार के पास। आज हम आ पहुँचे हैं दंदासपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी पंकज तिवारी जी के पास। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अब जनता बोलेगी में। सबसे पहले आपके चैनल जो है अब जनता बोलेगी, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ इसके व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, वीडियो देखने वाले सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल कि इस चुनाव की बात करने से पहले मैं जानना चाहूँगा मुखिया जी से कि अगले चुनाव में आपके जो मुद्दे थे, क्या उस पर सारे काम हो गए हैं? यस और नो में जवाब दीजिएगा। जी हाँ, सारे काम हो गए हैं। जी जी। दूसरा सवाल, दंदासपुर गांव में वार्ड नंबर 2 में एक सड़क है जो कि अभी आज से 8-9 महीने पहले बनी है, जो ब्रहिटोला से लेके काली मंदिर तक जाती है, उसके बीच में रोड टूटा हुआ था, तो आपके द्वारा कहा गया था चुनाव से पहले बन जाएगा, अभी तक नहीं बना, क्या चुनाव से पहले बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो रोड बना हुआ है, रोड बना हुआ है, उसमें RCC पुलिया का निर्माण कराना है। पुल का, तो पुलिया का निर्माण जो कराना है वो होगा। चुनाव से पहले या बाद में? जी, चुनाव से पहले होगा। तीसरा सवाल, इस साल जब यह चुनाव कुछ महीने पहले होने वाला था, डेट अनाउंस होने वाला था अप्रैल मई के महीने में, तो उस चुनाव से पहले मुखिया जी ने बोला था कि हर 3-4 पोल के बाद एक सेंसर वाला लाइट लगेगा, जो कि शायद कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, खास जगहों को, तो लाइट अभी तक नहीं लगा है, और LED लाइट्स कुछ सभी पोल्स पर शायद लगी हुई हैं, जो कि किसी और के द्वारा लगवाया गया है, जो कि चुनाव को लेकर ही, तो सेंसर वाला लाइट क्या चुनाव से पहले लगेगा? जी, चुनाव से पहले तो नहीं लगेगा, लेकिन उसको मैंने एस्टीमेट बनवाकर और उसको मैंने PMFS पोर्टल पर लोड करवा चुका है, मतलब उसको लोड करवा दिया गया है, जिस पर काम जारी है। आचार संहिता की वजह से वो काम बाधित है, आचार संहिता टूटते टूटते ही वो काम जो है जोरों शोरों पर है, मतलब लाइट लगेगा। जी बिल्कुल। 3 ऐसे काम बताइए जो आपने इस पंचायत के लिए करवाए थे, हालांकि बहुत सारे काम करवाए गए हैं, लेकिन 3 ऐसे काम बताइए जो कि जिसके वजह से लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है आज। देखिए, काम तो मैंने बहुत सारा कराया है, और रही फायदे की बात तो मैं किसी व्यक्ति विशेष बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पंचायत के विकास की जो बात रही, मेरे देखने से जो काम देश आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ था, वो मेरे 5 वर्षीय योजना जो है इस कार्यकाल में मैंने कराया है। जैसे कि मेरे यहाँ हरपुर कोठी पोखरा में छठ घाट नहीं था, यहाँ के छठ व्रती लोग बांस की छचरी बनाकर उस पर छठ घाट किया पूजा करते थे। इसके बाद से आपके 2 नंबर वार्ड की जो बात है, उसमें दलित महादलित की संख्या जो ज़्यादा है, वहाँ की बात करूँ तो वहाँ नाला जो निर्माण किया गया था बहुत पहले का, पूर्व मुखिया जी के द्वारा नाला निर्माण किया गया था बहुत पहले, जो बीच में 10 वर्ष 2 व्यक्ति के कार्यकाल में, मतलब कि 5-5 साल का मुखिया रहा, उस समय में वहाँ का इतना बदतर स्थिति हो गया था कि वहाँ पैदल चलने में भी समस्या थी, जिसको मैंने अंडरग्राउंड नाला बनवाया है, वहाँ PCC करवाया है, अब बहुत व्यवस्था बढ़िया है। जी, उस रोड की बात मैं करूंगा, यहाँ पर मैं भी खुद तारीफ करूंगा, क्योंकि उस रोड से मेरे को भी गुजरना पड़ता है, और मेरे अलावा वहाँ 5-6 गांव के लोग गुजरते हैं, क्योंकि वह रोड बाईपास के थ्रू वह सिवान जिले को भी जोड़ता है, जो कि बहुत सारे गांव है, सिकटिया बगुच्छा जैसे कुछ गांवों को जोड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिला। उस गांव की जो सड़क थी उसकी हालत यह थी कि बाइक भी नहीं जा पाती थी, और घर से जब निकलते थे वहाँ के पड़ोसी तो बदबू के कारण बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, मतलब माहौल सही नहीं था, लेकिन आज की डेट में वहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई है उस सड़क की कि वहाँ शादी विवाह में भी वहाँ पैंडल गिरता है, चाहे कोई फंक्शन होता है, बहुत सुविधा मिलती है। इसके बाद में आप जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, 5 सालों में जितना किसी नेता ने कोई काम नहीं किया, घूमा होगा किसी गरीब के पास, या किसी की भी ज़रूरत हो, किसी के गरीब की बेटी की शादी हो, या किसी के मरने पर कोई दिक्कत हो, वहाँ जाकर आप हर जगह खड़े रहे हैं,
तो आपको कैसा लगता है इन सब कामों को करके, क्योंकि आपको उस सब कामों के लिए फंड नहीं मिलता होगा, आप निजी पैसे से अपना मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं टाइम निकाल करके, तो आपको कैसा लगता है ये सब काम करके? देखिए, मैं समाज सेवा की बात करूँ तो मेरे दादाजी जिस समय से सरपंच हुए, उस समय से जिस दिन वो स्वर्ग को सिधारे उस दिन तक होल लाइफ, यानी कि होल लाइफ सरपंच उन्होंने सरपंच का पदभार ग्रहण किए हुए थे, और मेरे पिताजी उनके इकलौते पुत्र थे जो एक अच्छे कृषक रहते हुए भी समाज सेवा से जुड़े हुए कामों को पर ध्यान दिया करते थे, और मेरा जो है, मेरा परिवार जो है बहुत पहले से समाज से जुड़ा हुआ, हम लोग इसमें मन लगता है, ये सब मदद करने में मन लगता है, लोग गरीब असहाय व्यक्ति जो भी हैं उन लोगों की सेवा करने में, चाहे उन लोगों के दुख सुख में सहभागी होने में हम लोग बहुत अच्छा लगता है जी। हर किसी के साथ रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस पंचायत का हूँ तो मैं जहाँ तक देखता हूँ तो मेरे को 5 साल या मैं 10 साल से, तो खैर समझ हम लोगों की बुद्धि खुली जब, तो 10 सालों में उतना कोई भी नेता नहीं दिखा जितना ये 5 साल में दिखे हैं। हर किसी के पास जाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे किसी जाति धर्म का हो। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने देखा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। अगला सवाल मेरा है कि आपके विरोधियों का आपके ऊपर कुछ आरोप है जिसको लेकर मैं सवाल करना चाहूँगा, कि आपके विरोधियों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने अगले चुनाव में जब काउंटिंग चल रहा था तो उसमें वीडियो और कलेक्टर को खरीद लिया, ऐसा आपके विरोधियों प्रतिद्वंदियों का आरोप है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, न्याय अन्याय की जो बात है, इस पर खरीदने पर और बेचने की जो बात है, तो ईमानदार पदाधिकारी को खरीदने के पास किसी को ताकत नहीं है, और मेरे यहाँ जो लड़ाई थी सत्य और असत्य की लड़ाई थी, न्याय अन्याय की लड़ाई थी, जनता ने मुझे मत दिया था और जनता के दिए हुए मत को मेरा सर्टिफिकेट वहाँ छीनने का प्रयास किया गया, जिस पर मैं अडिग था कि नहीं, जनता अपना अधिकार मुझे दी है, यदि मैं यहाँ अधिकार छोड़ के जा रहा हूँ फिर जनता के पास मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, इसके लिए मैं वहाँ अडिग रहा और न्याय और अन्याय पर भरोसा किया कि मेरे साथ न्याय यहाँ होना चाहिए, भगवान मेहरबान थे, मेरे साथ न्याय मिला, जो मेरा वोट था वो मेरा वोट काउंट हुआ और मुझे जीत हासिल हुआ जी। मतलब आपका कहना है कि आप पर आरोप जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। चलिए, एक और सवाल है कि आपके विरोधियों का यह भी सवाल है कि आपके डर से लोग यहाँ बोल नहीं पाते हैं, इस पर क्या कहिएगा, क्योंकि आपके विरोधी ये सब सवाल उठा रहे हैं वोट के समय, हो सकता है इस पर कुछ आप बोले। देखिए, डर की जो बात है, दुनिया में बहुत एक से एक धुरंधर लोग हैं, बहुत तेज तरार लोग हैं, बहुत बाहुबली लोग हैं, ना हम बाहुबली हैं और ना ही हम, मेरे पास ऐसा कोई जानवर जैसा सिंह है, ना मेरे पास जानवर जैसा दांत है कि हम लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, हम काहे ना करेंगे, यदि हम डराने धमकाने का काम करें जनता मुझे वोट क्यों देती, और उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, मैंने 5 साल में जनता का सेवा निष्ठापूर्वक किया है, मुझे ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि इस पंचायत में कोई, हमको नहीं लग रहा है कि कोई लड़ाई ही है, कोई लड़ाई नहीं है जी। तो जो आरोप था इनके प्रतिद्वंदी का, उस पर तो इन्होंने जवाब दे दिया है, जनता देख रही है, जनता को सब पता है। और अगला सवाल मेरा है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि मैं इससे पहले भी 5-6 वीडियो अपना अपलोड कर चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा, कि बिहार के हर लगभग बहुत सारे जिले में मैं गया हूँ, सारा वीडियो अपलोड नहीं है लेकिन गया हूँ, कुछ जगहों का वीडियो अपलोड है, आप देखिएगा जरूर, कि जल नल योजना पर पूरा बिहार का जो जल नल का योजना है वह पूरी तरह से विफल रहा है। उसी प्रकार इस पंचायत में भी पिछले 3-4 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा, किसका इसमें ये है? देखिए, पानी इस पंचायत का जो स्थिति है, मेरे यहाँ 14 वार्ड है, 7 वार्ड जो है ग्राम पंचायत के जिम्मे है और 7 वार्ड जो है पीएचडी के जिम्मे है, तो मेरे यहाँ जो 7 वार्ड जो हमने काम कराया है उसमें 7 वार्ड में पानी चालू है, 1 वार्ड जो 3 नंबर वार्ड है उसमें कोई बिजली के कमी से, फॉल्ट से उसका जो स्टार्टर था वो जल गया, वो मेरे वार्ड सदस्य की लड़की जो थी गई थी उसको स्टार्ट करने के लिए, वो बेचारी को करंट लगा, करंट के झटका से उसका इलाज भी चल रहा है अभी ठीक है, लेकिन एक वहाँ दिक्कत है, बाकी 6 वार्ड में पानी चल रहा है, और जो पीएचडी के द्वारा काम कराया जा रहा है वो निर्माणाधीन है, उस पर काम चल रहा है। मतलब आप मुखिया लोगों के द्वारा जहाँ पर हो रहा है वहाँ सही है, लगभग लगभग जी, बिल्कुल सही। 2 ग्रुप होता है, जो इनका ग्रुप है उसमें सारे जगहों पर नल जल का योजना पहुंच रहा है सही ढंग से, वो बात अलग है कि सरकार के कुछ और अधिकारी होते हैं जिनके वजह से नहीं पहुंच रहा है, हो सकता है उसमें कोई धांधली हो। तो अगला सवाल आपसे फिर एक बहुत ही खास सवाल है, क्योंकि आप युवाओं के साथ जुड़े रहे हैं, आप खुद एक युवा हैं और हम भी युवा हैं, और आप युवाओं के साथ जुड़े रहे हैं, सभी जानते हैं, आप कहीं भी खेल प्रतियोगिता होता है वहाँ आप जाते हैं, और आपने कई सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को जूता कितनी बार बांटा है मैंने देखा है,
और इसके अलावा भी आप बहुत खेलों में अपना योगदान दिए हैं, सहयोग दिए हैं जितना हो सका है। लेकिन एक सवाल बहुत ही खास है जो कि हमारे युवा जानना चाहते हैं कि जब मिर्जापुर पंचायत, मिर्जापुर में जो खेल मैदान में लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, वहाँ MLA MP तक आए हुए थे, वहाँ पर इस पंचायत के मुखिया पंकज तिवारी क्यों नहीं पहुँचे? हालांकि यहाँ से कोई और प्रतिनिधित्व किया, और उसमें क्या कुछ राजनीति थी या क्या थी उस पर आप स्पष्ट करिए। जी नहीं, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। उस समय हम मेडिकल अस्वस्थ थे, मैं कोरोना से पीड़ित था, मेरे फैमिली में 5 आदमी कोरोना से पीड़ित थे, इसी वजह से मैं जाने में सक्षम नहीं था। यहाँ कोई राजनीतिक ये नहीं था। तो वहाँ पर नहीं जा पाए थे, इनका शारीरिक कुछ दिक्कत था, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके वजह से नहीं गए थे। बहुत सारे युवाओं का यह सवाल था कि आप ये सवाल करिएगा, तो मैंने किया। और अगला सवाल मैं इनसे करना चाहूँगा कि इस चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे काम तो लगभग रोड और ये सब का हो चुका है, लेकिन इस चुनाव में मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? इस चुनाव में मेरा मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि सबसे पहले मैं अपने पंचायत को झोपड़ी मुक्त देखना चाहता हूँ। इस बार का मेरा ये मुद्दा रहेगा, मैं झोपड़ी मुक्त इस पंचायत को देखना चाहता हूँ कि हर गरीब परिवार के पास झोपड़ी नाम झोपड़ी नुमा जो मकान है उसको मैं वहाँ से हटवाऊँ और वहाँ इंदिरा आवास का लाभ दिलवाऊँ या अपने निजी कोष से हो। इस पंचवर्षीय योजना में यदि जनता मुझे मौका पुनः देती है तो मैं ये वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर में एक भी झोपड़ी मेरे पंचायत में दिखने को नहीं मिलेगा, सबको मैं इंदिरा आवास का लाभ दिलाऊँगा और इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाकर और इस पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कराऊँगा। बहुत गर्व की बात है कि इनकी सोच बहुत अच्छी है कि हर एक आदमी को अगर आप करवाते हैं तो यह सही में भारत के इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी कि कोई गांव है जहां पर एक भी झोपड़ी नहीं है। हालांकि और भी देश में बहुत सारे गांव होंगे, लेकिन एक आदर्श पंचायत बनाने का इनका सपना है जो कि साकार होगा अगर इस बार जीतते हैं तो। सेकेंड लास्ट सवाल है मेरा कि आप अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और पूरे दंदासपुर पंचायत की जनता से क्या चाहते हैं इस बार? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे 5 साल अपना सेवा करने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। जो मेरे गार्जियन स्वरूप चाचा चाची बाबा या बड़े भाई भाभी जो भी हैं उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करूँगा कि उन्होंने मुझे अपना सेवा करने के लायक मुझे समझा और मैं निष्ठापूर्वक उनका सेवा किया हूँ। और जो मेरे युवा साथी हैं, जो मेरे भतीजा भतीजी हैं, जो इस पंचायत के और मेरे देश के भविष्य हैं, उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो यह थे दंदासपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया और मुखिया प्रत्याशी पंकज तिवारी जी, जिन्होंने हर एक बात का स्पष्टता से जवाब दिया, जो इनके विरोधियों का सवाल था उस पर भी, और क्या विकास करवाया है उस पर भी, और इस साल क्या करवाएंगे उस पर भी। सारे सवालों का लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। अगर पंकज तिवारी जी के बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में आप इनसे कोई अगर और सवाल हो, क्योंकि जीतने के बाद अगर ये जीतते हैं तो फिर मैं आऊँगा, तो आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पेज पर अगर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और लास्ट में यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले अगले वीक में मैं विधायक श्रीकांत यादव जी के पास जाने वाला हूँ, तो आपका अगर उनसे कोई सवाल हो तो वो अभी पूछ सकते हैं। फाइनली मैं यही कहूँगा कि हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए चुनाव के समय में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।